नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न वायु तत्व को लेकर चलने वाली, हवा से बातें करने वाली, अपने आप को व्यवस्थित रखने वाली, तेज तर्राक, ठीक है ना, थोड़ी सी मनमानी करने वाली। मंगल महाराज जो लाभ के स्वामी है, उच्च के हो रहे हैं। लाभस्थ मंगल उच्च के होंगे, क्या क्या फल देंगे, कहाँ कहाँ रखनी होगी सावधानी, बस चंद मिनटों में चर्चा। तो मिथुन मतलब बुद्धि का, बुध का लगन है, बुद्धि, बुध की राशि है, तो बुद्धिमान लोग हैं आप लोग। बुद्धिमत्ता ये भी कहती है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि बुद्धि का ही काम है सपोर्ट करना। तो मंगलदेव आपके लाभेश हैं और मंगलदेव आपके कुंडली में जो बन रहे हैं स्थिति, वो अष्टम भाव लाभ का भाव और खष्टम भाव का स्वभाव लेके चल रहे हैं। किसका? छठवें घर का। खष्टेश हैं, साथ में लाभेश हैं, जा रहे हैं अष्टम भाव में। कहाँ पे जाएंगे? अष्टम भाव। अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं। आठवें घर में उच्च के, मतलब जहाँ पे हर आदमी परेशान हो रहा है, वहाँ पे कोई आदमी कैसे जाके ऊंचाई प्राप्त कर सकता है? होता है ऐसा, होता है भाई। जहाँ पे सामान्य लोग भाग जाते हैं ना, वहीं मंगल जाके सौर दिखाता है। मंगल है क्या? सेनापति। सेनापति रण के मध्य में खड़ा, जहाँ पे यत्र तत्र सर्वत किसी का हाथ पैर कटा है, नाक कटा है और चित्कार हो रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है, वहाँ मंगल अपना तलवार खींचता है, लंबी सांस लेता है, फिर लग जाता है उद्धार करने में, त्राण करने में। और जो उद्धारक और त्राणक की भूमिका में आती है, बाद में उसी की जय जयकार होती है, वही अमृत को प्राप्त करता है। अष्टम भाव गुप्त पीड़ाओं का है, अष्टम भाव अंधेरी जगह का, अष्टम भाव फंस जाने का है। तो ऐसी जगह जहाँ पे आप फंसे हैं, ऐसी जगह जहाँ से आपको परेशानी हो रही है, ऐसी जगह जहाँ से त्राही त्राही कर रहे हैं, वहाँ पे मंगल जाके संभालते हैं, बोलते हैं मारूंगा, एक कमा रहे दुई गिर जाए, तीसरे गिरे भरारा खाए, ऐसी स्थितियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंगल आपके खष्टेश हैं, तो पहला काम क्या करेंगे? शत्रु मृत्यु के घर में, बढ़िया है, शत्रु मृत्यु के घर में शत्रु ही मर जाएगा। जो इस समय झगड़ा करेगा वो अपने आप निपट जाएगा। लीजिए, आपको झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं, जो आपसे करेगा वो स्वतः ही धीरे से निपट जाएगा, तो निपटा देंगे आप। दूसरा, लाभ का स्वामी लाभस्थ अपने से दशम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उच्च के गुप्त रूप से लाभ होगा, ससुराल से लाभ होगा। कहाँ से लाभ होगा? ससुराल से लाभ होगा। यहाँ पे जीवन साथी की जो वाणी है, जीवन साथी की जो वाणी है वो थोड़ी सी टफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लाभ तो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ तो बनता है दोस्त। कैसे लाभ होगा? अब ये तीन नक्षत्रों में चलेंगे, पहला उत्तराषाढ़ा, दूसरा श्रवण, तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा मतलब अधिकार प्राप्ति, श्रवण मतलब धन, कुटुंब, परिवार, धनिष्ठा वो शक्ति जो किसी के बस में नहीं रह सकती, परवान सकती है, मारेंगे ध्वंस हो जाएगा, धुआं धुआं। तो पहले में क्या है, आपके पराक्रम की वजह से उच्चता प्राप्त करेंगे, अधिकार प्राप्ति के नक्षत्र में है, इसलिए मेहनत करिए, सफलता प्राप्त करिए, बंधु बांधवों का सपोर्ट लीजिए, यत्र तत्र सर्व सफलता होगी। गुप्त तरीके से काम करिएगा, मतलब जब तक आपका काम ना हो जाए अपनी योजनाओं को बिल्कुल मत बताइएगा, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं यार। और जीवन में आपको सफल होना है ना, ज़्यादा लोगों को बताइए मत, क्योंकि लोग चाहते नहीं कि आप सफल हो, बस बिल्कुल जैसे घूमते रहिए। जिस दिन आप सफल होंगे आपकी सफलता शोर मचा देगी, ठीक है, बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो यहाँ पे गुप्त तरीके से काम करना है, थोड़ा ध्यान में जाना है, किसका ध्यान करना है? तो श्री गुरु चरण सरोज रजन जमन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, ठीक है। तो हनुमान जी की आराधना उपासना करिए, श्रेष्ठ फल देंगे। क्योंकि अब आप मंगल का मंत्र यंत्र और रत्न नहीं पहन सकते, रत्न पहनने की सलाह मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मंगल एक्सीडेंटल है भाई। घर में अगर AK-47 रखोगे, कभी चल गई तो नुकसान तो होगा ना, ये बातें हैं। तो यहाँ पे आप उनको बल नहीं दे सकते, लेकिन उनकी आराधना उपासना करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। यहाँ पे अच्छा क्या हो रहा है, गुरु महाराज आपकी प्रथम मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, तो गुरु एनर्जी को बैलेंस करने के लिए है, इसलिए गुरु को प्रणाम करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, झंडा हनुमान मंदिर में लगाइए, थोड़ा सा उनके चरणों से और चंदन ले आइए, जो लाल चंदन है उसको थोड़ा मस्तक पे लगाना सूर्य का, जब तक मंगल उठ चुके हैं। राधे राधे। गुप्त रूप से लाभ, प्रतिस्पर्धा में लाभ, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर भी लाभ होता होगा,
तो लाल देह लाली लस्य रुद्र लाल अंगूर वज्र देव दानव दलन जय 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 कपशूर। बेहतर समय है, बेहतर लाभ प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके चलेगा। मेहनत करने के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमान और पागल लोगों में बहुत हल्का सा अंतर होता है। तो यहाँ पे बुद्धदेव अष्टम भाव में चल रहे हैं, बुद्धदेव अष्टम भाव में तो रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जीवन से ज़्यादा अनमोल कुछ नहीं है। कल जीवन है तो फिर कल फिर मौका है, जीवन ही नहीं है तो रिस्क ज़्यादा मत लीजिएगा। एडवेंचर कोई करने जा रहे हैं मत करो भाई, इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बुध भी यहीं पे है। तो घर में भी थोड़ा तनाव हो सकता है, उसके लिए एक पन्ना, एक एमराल्ड लिटिल फिंगर में पहन कर रखिए, कुछ नहीं होगा। राधे राधे।